तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो लेकर के आया हूँ ये हमारे हाशिम जी हैं और इनकी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के शॉप है। और इन्होंने एच के नाम से अपना लोगो बना रखा है। एच के का मतलब हाशिम खान। एच के हाशिम खान हाँ हब मतलब केंद्र। हाँ तो हाशिम खान नाम से अपने लोगो बना रखा है, बहुत अच्छा है। दूसरी बात क्या है कि मैं कहना चाहता हूँ कि सर ने हमारे पास समथिंग 1 साल हो गया मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स किए हुए, और लोकल के ही रहने वाले हैं। इनकी शॉप जो पड़ती है जाजमऊ में पड़ती है। एरिया किस में आता है? जादव मोती नगर जाजमऊ मोती नगर में आता है। तो यहाँ पर इनकी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप है। और पहले सर, 1 साल पहले जब सर ने मेरे पास ट्रेनिंग लिया था, तो आप ही की तरह मैं आपको बताऊं सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग ले चुके हैं और आज किस तरीके से सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। मैं आपके पास आने का मेरे पर्पज़ क्या है, सबसे पहली बात ये है। सबसे पहली बात क्या है कि दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स हम लोग सिखाते हैं। अच्छा, हमारा क्या मानना है कि सर, मैं इस लाइन में 17 साल से जुड़ा हूँ और हर एक बच्चे को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी बात क्या है, उनको ट्रेनिंग के साथ साथ उनको गाइडेंस भी देते हैं कि कैसे आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का बिजनेस करना है, कैसे काम करना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है और सीखने के बाद कैसे काम करना है। और सर, मैं आपको बताऊं, आप ही की तरह बहुत कम से कम हजारों लोग ऐसे हैं जो आज आधार कार्ड है, जन सेवा केंद्र है, इन सब चीज़ों का, मनी ट्रांसफर का, इन सब चीज़ों का काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का काम करने का मतलब होता है वो पूरे दिन के अंदर देखा जाए तो 100 200 300 500 रुपये तक का काम कर पाते हैं। अगर वो लोग चाहें कि अपने इसी काम के दौरान मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का भी ट्रेनिंग लेकर के उसके साथ में मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के काम को भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे रहेगा कि उनका काम भी डबल हो जाएगा, काम ज़्यादा हो जाएगा तो उनका पूरा दिन काम करने में मन लगेगा, अच्छा भी लगेगा, और अपने महीने में अंदर अच्छे गट्स पैदा कर सकते हैं। और कम से कम महीने का देखा जाए तो उनके लिए 20-25-30 हज़ार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल के बिजनेस के तौर पर आदमी को सर्वाइव करना, इतना करना तो समझ लीजिए आदमी के लिए नॉर्मल ही है। अगर इतना कर रहा है तो ही बिजनेस को अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। हमारे पास जो भी सारे स्टूडेंट लोग होते हैं उनको सीखने में समथिंग 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने में पूरा कंप्लीट ट्रेंड हो जाते हैं। और जैसे आप देख रहे होंगे कि सर हाशिम जी हैं, इनकी भी पहले जन सेवा केंद्र का काम था, एक जगह पर जॉब करते थे। और वहाँ पर जॉब करने के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब भाई अब हमको अपना खुद का काम करना है, अपना खुद का बिजनेस करना है। तो समझ लीजिए कि सर के पास जो भी सारे जो वहाँ से पैसे मिलते थे, सैलरी मिलती थी, वो सारा सब कुछ इकट्ठा करके इन्होंने फीस में डिपॉजिट किया, फीस जमा किया, फीस को इन्होंने इंस्टॉलमेंट वाइज फीस पे किया। फीस पे करने के बाद पूरा कंप्लीट कोर्स सीखे। पूरा सीखने में समथिंग 3 महीने का समय लगा सर को, सीखने में 3 से 4 महीने का। दूसरी बात मैं कहना हूँ सर का, जब मेरे पास एडमिशन हुआ तो 26 जनवरी को जी एडमिशन सर, हुआ था। वो जी मेरे पास हमेशा याद रहता है क्योंकि 26 जनवरी के दिन एडमिशन हुआ था। 26 जनवरी का मैंने इससे पहले वीडियो भी डाला था और आज हम लोग फिर आए हुए हैं। 26 जनवरी से दूसरा 26 जनवरी निकल गया और 15 अगस्त आ गया। जी तो अब आज सर के पास मैं वीडियो के लिए आया हूँ। और ये सर देखिए, पूरा बहुत अच्छे से शॉप है। पहले कहीं जॉब करते थे, आज ये अपनी खुद की शॉप है। इन्होंने आधार कार्ड, जन सेवा केंद्र, फोटो कॉपी, रेलवे रिजर्वेशन, ये सारा काम करते थे। लेकिन अब जब से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम ऐड किया है तो इनके लिए पूरा, इनके लिए सोने पर सुहागा हो गया। और दूसरी बात क्या, जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर जॉब छोड़ दिया, अपना खुद का सेटअप बना लिया है। अगर आप देख रहे होंगे तो बाहर जो जितना सारा काम आपको दिख रहा है ये सारा जन सेवा केंद्र का काम है, जिन्होंने पूरा सेपरेट अलग से कर रखा है। इन्होंने अपने लिए लड़का भी रखा है कि वो लड़का पूरा दिन ये जो काम इनको आता था उन्होंने उसको सिखा दिया, वो काम करता है और अपना पूरा दिन मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम करते हैं। एक दिन के अंदर कम से कम नहीं होता है तो 3 से 4 मोबाइल फ़ोन अरे आराम से रिपेयर होने के लिए आते हैं। दूसरी बात क्या है कि ब्लूटूथ भी रिपेयर होने के लिए आते हैं। आप सर का अंदर आकर के दिखा दीजिए सभी को, ये देखिए इस तरीके से सर ने पूरा रिपेयरिंग का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। ये हॉटगन है, ये डीसी सप्लाई मशीन है, आयरन है, सारे टूल्स हैं। जो भी अब देखो आईफोन वगैरह मोबाइल फ़ोन जो भी रिपेयर होने के लिए आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को आसानी के साथ में रिपेयर करते हैं। ये सेपरेटर मशीन रखा हुआ है और डेली के डेली जो भी टास्क है उसको पूरा करते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और ये सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आते हैं। इन मोबाइल फ़ोन में किसी में चार्जिंग कनेक्टर की प्रॉब्लम है, किसी में टच डलना है, किसी में डिस्प्ले डलना है, तो ये सारा काम एक दिन के अंदर पूरा डेली करके देते हैं और इस तरीके से रिपेयरिंग करते हैं। तो सर आप थोड़ा सा आप भी आइए क्योंकि मैं आपके शॉप में आया हूँ, तो आप लोगों को बताइए कि आज के दिन आपके पास कितना काम आया हुआ है, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, क्या कोई परेशानी फेस करनी पड़ रही है। और हमारी तरफ से या हमारे ईटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से टीम से आपको
मदद मिल रही है कि नहीं मदद मिल रही है, और लोगों को आप गाइडेंस करें ताकि लोग भी इसी तरीके से जो उलझनों में परेशान ये रहते हैं कि भाई हमको काम सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, लोगों के दिल में हौसला नहीं जगता। जी सर, हौसला इसलिए नहीं जगता कि जैसे आप कोई काम करें तो कोई काम करने का मतलब भेंट की तरह आप उसी चाल में चल रहे हैं, रोज आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई अपने लाइफ में नया एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। और जब तक लाइफ में नया एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उत्साह नहीं जनरेट होता, जब तक उत्साह नहीं जनरेट होगा तो आप आगे के लिए बढ़ नहीं पाएंगे और उसी में तालाब में मेंढक की तरह हमेशा घुसे रहेंगे और आगे ब्रॉडकास्ट करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। आगे करने का मौका तो तभी मिलता है जब आप खुद पर डिपेंड हो जाएं। जिस दिन आप सेल्फ पर डिपेंड हो गए, कहते नहीं आप दूसरे के लिए 20,000 रुपये कमा करके देते हो तब कहीं ना कहीं आपको 10,000 रुपये मिलता है। अगर वही चीज़ तुम अपने दिमाग के अंदर ठान लो तो समझ लीजिए आपको 50,000 रुपये कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात है। तो सर आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में और लोगों को, कैसे आपने काम स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया आपको सीखे हुए, गाइड करिए। सर मेरे को सीखे हुए सर 1 ईयर हो गया, और सर मैं मार्केट गया था सिर्फ घूमने के लिए, और मतलब वहाँ दोस्त के साथ गया था एक मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए। हाँ। में सॉफ्टवेयर की कमी थी, तो सर जब उसने सॉफ्टवेयर डाला तो बहुत इजीली उसने सॉफ्टवेयर डाल दी कंप्यूटर से। हाँ। तो सर मेरे को देख के लगा सर ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरा दिन भर तो कंप्यूटर का मेरा है। हाँ। ना सीएससी का, तो सर उसी टाइम से मेरे को लगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर मेरे काम सीखना तो सीखना है सर मेरे को सॉफ्टवेयर का। तो सर उसके लिए सर मैंने पूरी मार्केट में ढूंढा, मैंने हर किसी से पूछा सर यहाँ पर कहाँ पर, मतलब पूछा कि भाई आप सिखाओ, कोई नहीं सिखाया सर। मैं ढूंढते सर मैं आपके पास पहुँचा कि यहाँ आप सिखा देता है, बिना आपके मतलब बिना आप इनवाइट किए मैं पहुँचा आपके पास। तो सर आपसे एक बार पहुँचा 24 जनवरी को, नहीं सर 25 जनवरी था सर, 25 जनवरी को। जी जी 25 जनवरी को। और सर आपसे मिलकर सर काफ़ी आपने इतना अच्छा मुझे को समझाया, और मतलब इतना अच्छा लगा मेरे को कि दोबारा सर फिर 26 जनवरी को मैंने आपको सेंटर करी, और बढ़िया वहाँ पर सब अच्छे से सर बनाया गया, पूरा 23 जनवरी बनाया गया, और सर काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद से पूरे मैंने उस दिन मैंने ज्वाइन भी कर लिया। हाँ। और इंस्टॉलेशन पेमेंट भी कर दिया सर मैंने, फिर उसके बाद से फिर बहुत अच्छा सीखा सर। और सर आज के टाइम पे सर 3 से 4 कॉम्बो आ जाती दिन भर में, इसमें एक कॉम्बो में कम से कम 400 रुपये पड़ते हैं सर। हाँ। तो समझ लीजिए कि 1200-1300 पर डे कहने का। और सर बाकी एक्स्ट्रा में काम है जैसे चार्जिंग कनेक्टर हो गया और माइक काम हो गया, और बाकी अदर में काम होता है वो हो गया था 200-300 रुपये का, प्लस सीएससी का वाला काम अलग से हो गया। तो सीएससी का भी काम करते रहते हैं और अपने साथ में रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो रिपेयरिंग के काम करने में क्या रहता है, एक हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि हमारे लिए एक मजबूती हो जाती है, क्योंकि रिपेयरिंग आजकल के समय पर रिपेयरिंग क्या है कि अगर आदमी की रिपेयरिंग मजबूत है तो मुझे लगता है बाकी कई चीज़ों से ज़्यादा इसमें बेहतर मार्जिन है और अच्छा भी रहता है। दूसरी बात क्या था, कहते नहीं कोई अस्पताल में चले जाओ, अगर उस अस्पताल में अंदर सब लोग हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल पूरा खाली नजर आएगा। जी जी। क्यों? क्योंकि भाई उनको देखेगा कौन। तो इसीलिए क्या होता है, इस लाइन में भी ऐसा होता है, जो आदमी रिपेयरिंग करने वाला होता है वो इस लाइन का बेस होता है, वो आदमी मजबूत होता है। अगर वो काम है तो समझ लीजिए दुनिया जान में जितने सारे काम है सारे काम अच्छी तरीके से होते हैं। और भी सर आप इससे पहले आप क्या करते थे, जब सीएससी का काम करते थे आप अपना ही काम था कि पहले किसी दूसरे सर काम मैं कर? पहले सर सीएससी काम दूसरे काम करता था, दूसरी जगह पे करता था और सैलरी बात करता था, और सर वहाँ से जो भी सैलरी इनकम होता था सर उसकी टाइमिंग थी सुबह 10:30 से रात को 8 बजे तक, और 10:30 से 8 बजे तक वहाँ की टाइमिंग थी। तो जब मैंने आपके पता किया तो आपकी टाइमिंग थी सुबह 8 से 10 बजे की। सर मुझे आपकी टाइमिंग बहुत सही लगी, मैं 8 से 10 आपके यहाँ आता था, फिर 8 से 10, 10 से 10:30, 8:30 तक वहाँ जाता था मैं। उसके बाद सर जो पेमेंट मिलती थी, पेमेंट सर आपसे इंस्टॉलेशन इसीलिए था ना सर, वहाँ से पेमेंट मिलेगी थोड़ी थोड़ी अगर सर आपको देंगे। हाँ, 3-4 महीने में सर आपको मैंने पूरी पेमेंट करी। हाँ बिल्कुल सर। तो सर ने मेरे पास जो पेमेंट करी थी वो मैं कहना चाहता था सर को, मैंने इसीलिए मैंने सपोर्ट किया था क्योंकि सर को जो भी सैलरी मिलती थी 3 महीने तक इन्होंने बिना सैलरी का काम किया, मतलब उन्होंने जो भी पैसे आते थे इंस्टीट्यूट में जमा कर देते थे और अपना पूरा क्लास करते थे और पूरा अच्छे से सीखा। 8 से 10 का टाइमिंग पूरा था। मैं आपको बताऊं ऐसे 8 से 10 के टाइम में और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं या किसी सर्विस में काम कर रहे हैं, तो उनके पास सुबह मॉर्निंग का टाइम निकल आता है, तो मॉर्निंग के समय पर वो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख रहे हैं। वो इसलिए सीख रहे हैं ताकि अपने आगे फ्यूचर के लिए, आगे अपने भविष्य के लिए, ताकि उनको स्टार्टअप करना है और हमको अच्छी तरीके से काम करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और हमने आपको हाशिम जी से इंट्रोडक्शन कराया है, और हाशिम जी इसी तरीके से आप सफलतापूर्वक काम करें
और दूसरी बात क्या है कि आप इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे काम करें, कस्टमर को अच्छी सी सर्विस दें और कस्टमर का बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए या बात करने का तरीका आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि जो भी कस्टमर आए वो संतुष्टि से काम करा करके आपके जाए। और कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, अगर आपने किसी फ़ोन को ठीक करके दे दिया और अगर उसके अंदर कमी आती है तो उस कस्टमर का आप जरूर देखें। दूसरी बात क्या है, उसका फीडबैक जरूर लें ताकि कोई कमी ना आए और हमेशा दिन पर दिन आप रेगुलर आप बढ़ते रहें और अच्छी तरीके से काम करते रहें। और सामान का बहुत ध्यान रखें, जो चीज़ कमी रह जाती है। बिजनेस में काम करने के 5 तरीके होते हैं, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको भी सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जब आप डेली बेस में काम कर रहे हैं तो काम बिल्कुल साफ़ सफाई से कस्टमर का करके देना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि आपकी जो शॉप है, आपका बिजनेस है, वो बिल्कुल अच्छे से अपडेट रहना चाहिए। चौथी चीज़ है कि जो भी आपके पास कस्टमर के मोबाइल फ़ोन आते हैं, जो कमी आती है उस कमी को ठीक करके दें और उसमें आप वाजिब रेट लें, मतलब आप पैसा लें। क्योंकि मोबाइल फ़ोन के लाइन में ऐसा बहुत ऐसा होता है कि डेड मोबाइल फ़ोन आता तो पता चला खोल के लगा दो और चालू हो गया, अपने 400-500 रुपये भी ले सकते हो, लेकिन आप उसका वाजिब पैसा लें ताकि हो सकता है किसी में 500 भी मिल रहे हैं तो किसी में 200 भी मिल रहे हैं, ताकि आप जनरली सफलतापूर्वक काम कर सकें, ताकि आप लोगों से और भी लोग आकर के सर्विस लें। और हमारे पास सर ऐसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट लोग होते हैं, वो सीख करके जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो आप भी अगर इसी तरीके से अगर ईटेक स्टूडेंट में आकर के ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप आकर के ट्रेनिंग ले सकते हो और पूरे मोबाइल फ़ोन के कंप्लीट कोर्स सीख सकते हो। यहाँ पर हम लोग टोटल 45 दिन का कोर्स सिखाते हैं और 45 दिन का कोर्स उन बच्चों के लिए रहता है जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो फुल डे ट्रेनिंग लेते हैं, और जो लोग लोकल के रहने वाले होते हैं 2-3 घंटे 4 घंटे का समय देते हैं तो उनको सीखने में समथिंग 90 दिन का समय लगता है। दूसरी बात क्या, लाइफ टाइम सपोर्ट, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए सपोर्ट रहता है और हमेशा हर बच्चों को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आती है तो हमेशा मदद मिलती रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़े रहें और भी नया अपडेट्स आने के लिए वीडियो को देखते रहें और ट्रेनिंग के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें ताकि आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ट्रेनिंग कैसे लेना है, कैसे सीखना है, कितने समय का कोर्स है, इस सब चीज़ों के बारे में वीडियो कॉल करके आप पूरे दिन में क्लासेस आप ले सकते हैं और पूरे शॉप के बारे में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और चैनल में और जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और ठीक है आसम जी, विदा, हम जाते हैं और फिर आप आइए, मुलाकात होती रहेगी, ठीक है, ठीक ओके।